आज हम यहाँ से जा रहे थे तो भारतीय रेल में कार्य करने वाले ट्रैक मेंटेनर यहाँ पे हमें दिखे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर कर क्या रहे हैं और इसकी क्या ज़रूरत है। ये जो रेलवे ट्रैक के बीचों बीच ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं, स्लीपर इसको कहते हैं, यही यहाँ पे नीचे गिरा हुआ था और इसको ये लोग सीधा कर रहे हैं। देख सकते हैं कि कितना भारी है और कितना हार्ड वर्क यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। पूरा जोर लगाना पड़ रहा है। थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे मिस्टेक होता है तो ये स्लीपर आप देख सकते हैं इधर नीचे जा सकती है, जो कि काफ़ी नीचा है और ट्रैक लेवल से काफ़ी नीचा है। तो इन लोगों को पहले ठीक कर लेने दीजिए, उसके बाद इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। इस साइड का पूरा बिल्कुल सही हो चुका है। जैसे कि जस्ट अपोजिट इधर ये लोग लगे हुए हैं और इसको ठीक कर रहे हैं। हमने इनसे बात किया कि ये कार्य क्या हो रहा है तो पता चला कि ये ट्रैश पास अटेंड कर रहे हैं। जैसे कि आसपास देख सकते हैं यहाँ पे गांव है और यहाँ पे एक स्कूल वगैरह भी है। तो जहाँ पे ट्रैश पास, जहाँ पे लोग ट्रैक को क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने की वजह से ये बैलास्ट नीचे की ओर फैल जाता है और ये जो स्लीपर दिख रहा है आपको, इसका मुंडा खाली हो जाता है। तो ये ज़्यादा बैलास्ट बिखरे ना और यहाँ पे भरा रहे बैलास्ट, जिसके वजह से ये स्लीपर को साइड में लगा देते हैं ताकि यदि कोई व्यक्ति अप एंड डाउन भी करे तो यहाँ पे बैलास्ट की कमी ना हो और रेलवे ट्रैक को कोई क्षति ना पहुँचे। और ये कार्य गर्मियों के दिन में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि गर्मी में टेम्परेचर की वजह से ये जो पटरी देख रहे हैं, ट्रैक देख रहे हैं, ये ट्रैक फैलता है, बकलिंग वगैरह होने का डर रहता है। इसलिए ये स्लीपर साइड में लग जाता है ट्रेस पास के पास और बैलास्ट यहाँ पे रखे रहते हैं तो इसका जो है बगलिंग ट्रैक सुरक्षित हो जाता है। अब ये लोग यहाँ पे सीधा करके साइड से मिट्टी भी भरेंगे और इसके बीच में बैलास्ट भरेंगे, जिसके वजह से ट्रैक बिल्कुल सुरक्षित हो। अभी लगभग यहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है और इस गर्मी में ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इनका कार्य कठिन है और आप इनके कार्य को अप्रिसिएट कीजिए। इनके लिए एक लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।